हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगिंग विद विभा। और मैं हूँ विभा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि हमारी बहुत कुछ ऐसी गलतियाँ जो हमें इंस्टेंट हेयर फॉल दे देती हैं। मतलब हेयर फॉल के लिए आपको 15-20 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हेयर फॉल जो है वो आपका नेक्स्ट डे ही हो जाता है। जो मतलब कि ये जो मिस्टेक्स हैं वो इतना भयंकर वाला हेयर फॉल देने वाली है कि आपके जो पूरे बाथरूम है ना उसमें आपको अच्छे से देखने को मिल सकती है। सो ये छोटी छोटी मिस्टेक क्या है, उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, वही सब मैं आज की वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ गलतियाँ जो थी वो मैं खुद करती थी इसलिए मैंने उनको ठीक किया। सोचा यही चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आप भी अपना हेयर फॉल रोक सकें। तो फ्रेंड्स, जो हमारी पहली गलती है वो है कि हम इस तरीके के रबर बैंड्स जो होते हैं ना अपने बालों में यूज़ करते हैं, जो हम इसको खोलते हैं तो ये जड़ से ही अपना बाल हमारा लेके बाहर आता है। तो इस तरीके के रबर बैंड ना यूज़ करके हम इस तरीके के जो रबर बैंड्स होते हैं साटन के, जो कपड़े में रबर बैंड लास्टिक वाले आते हैं, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। भले इन रबर बैंड्स के हमें 2 से 3 बाल फोल्ड करना पड़े अपने बालों में और उसके बाद भी अगर हमारे बाल लूज जाते हैं तो हम उसको पोनीटेल को भले हमें ऐसे टाइट करना पड़े, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है करना हमारे इन रबर बैंड्स को यूज़ करने से, क्योंकि ये एकदम से हमारे जड़ से बाल खींच लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा तो हेयर फॉल हो रहा है, ये दवाई खाई हेयर फॉल नहीं ठीक हुआ, उन मैम का वो DIY किया तो वो भी काम नहीं किया। सो इस तरीके के हेयर बैंड को, इस तरीके की साटन कपड़े वाले जो रबर बैंड्स होते हैं, उसमें आप स्विच कर सकते हैं। और इस तरीके के रबर बैंड्स तो अब मेरे घर में तो मेरी सिर्फ किचन में ही दिखाई देते हैं पैकेट्स को बंद करने के लिए। सो आप इस तरीके की गलती को सुधार सकते हैं। जो मैं करती थी वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। दूसरी मिस्टेक ये है फ्रेंड्स कि हम वो दांत वाला जो होता है ना हेयर बैंड जिसमें बहुत मोटे मोटे दांत होते हैं उसे हम ऐसे खींच के ऐसे लगा के एकदम पीछे से करते हैं तो वो भी हमारी काफ़ी रूट्स को वीक करता है। तो उस तरीके के हेयर बैंड्स ना यूज़ करके आप इस तरीके के कपड़े वाले हेयर बैंड्स यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बालों को रोकेगा भी और आपके बालों को जड़ से निकलने भी नहीं देगा। तो इस तरीके की मिस्टेक्स को आप अपना सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टिप नंबर जो सेकंड है वो ये है कि हम कोई भी ऑयल को अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो उसको लगाने से पहले हमें अपने बालों को कॉम कर लेना चाहिए जिससे कि वो उलझे नहीं। उलझे बालों में अगर आप ऑयल लगाएंगे और आप अपना हेड वॉश करेंगे तो वो उनकी जड़ें तो ऑलरेडी वीक थी तो वो गिर जाएगा, बाल सारे झड़ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ऑयल लगाने से आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में पहले आप अपने बालों को अच्छे से कॉम करिए, उसके बाद ही आप अपना अपने सर में ऑयल लगाइए जो आपको सूट करता हो। दूसरी चीज़ ये कि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है मार्केट वाले जो ऑयल होते हैं उनको हम गर्म करके लगाते हैं क्योंकि सब लोग बोलते हैं ऑयल गर्म करके लगाना चाहिए अच्छे से हमारी जो स्कैल्प में जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। आप मार्केट वाले ऑयल ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं, उनको किसी भी तरीके की हीट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप उन्हें गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो उसकी जो गुडनेस है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप DIYs वगैरह यूज़ करते हैं, घर में ऑयल बनाते हैं तो उस तरीके के ऑयल को आप हल्का सा गर्म कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो आप चीज़ें डालते हैं उसकी गुडनेस आपको ऑयल में चाहिए होती है। तो ऐसी कंडीशन में तो आप इस ऑयल को हीट अप कर सकते हैं, लेकिन मार्केट वाले ऑयल को प्लीज हीट अप मत करिए क्योंकि उनकी जो गुडनेस होती है वो सब खत्म हो जाती है। अगर ऑयल को हीट करने में भी प्रॉब्लम है कि नहीं ऐसे भी हमारे बाल पक सकता है गर्म लगाने से, तो आप जो भी मटेरियल है आप ऑयल में रखिए और डालिए और उसे धूप में 10 से 15 दिन के लिए रखिए, उसकी मटीरियल की सारी जो भी गुडनेस है वो ऑयल में आ जाएगी और आप उसे अपने हेड पर लगाएंगे तो आपका हेड वॉश करते टाइम हेयर फॉल नहीं होगा। तो इस तरीके की मिस्टेक को भी अगर आप सुधारेंगे तो आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम होगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं वही सब ट्रिकें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मिस्टेक्स मैं करती थी और मैंने उन पर काम किया जिससे कि मेरा हेयर फॉल कम हुआ। टिप नंबर 3 ये है कि फ्रेंड्स, हम लोग सर में मेहंदी लगाते हैं क्योंकि आजकल सबके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आम बात है। छोटा हो या बड़ा हो सबके बाल आपको सफ़ेद देखने को मिलेंगे और हेयर फॉल तो होता ही होता है। तो फ्रेंड्स, हेयर फॉल क्यों होता है जानते हैं? हम लोग मेहंदी लगाते हैं क्योंकि बालों को वाइट को कलर करने के लिए, वो वाइट ना दिखे। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने बालों में लगाते हैं हीना, क्योंकि हीना लगाने से कहते हैं कि बाल खराब नहीं होते हैं और हेयर डाई हेयर कलर लगाने से बाल खराब होते हैं, जो कि सच है। तो फ्रेंड्स, हम जब अपने बालों में हीना लगाते हैं और फिर उसको लगाने के बाद हम उसको ड्राई होने देते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं लगाते हैं, उसको हीना को 1 से 2-3 घंटे तक हम उसे ड्राई होने देते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो रूट्स होती हैं वीक होने लगती हैं। सो ऊपर से तो मेहंदी सूख जाती है लेकिन अंदर से मेहंदी गीली होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारे बाल फिर झड़ने लगते हैं, हमारा हेयर फॉल होने लगता है। तो फिर कहते हैं सारे लोग कि हीना लगाने से भी मेरा तो हेयर फॉल होता है, मुझे तो हीना भी नहीं सूट करता और ना ही मुझे कोई DIY सूट करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में आप जब भी हीना लगाएं तो आप अपने जो शावर कैप होती है, या फिर आपके पास शावर कैप नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथीन जो होती है, सबके घरों में आजकल पॉलीथीन होती है,
तो जो पॉलीथिन होती है उससे आप अपने बालों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, और 1 से 2 घंटे जितने घंटे आप मेहंदी रखना चाहते हैं अपने सर में आप रखिए। मेहंदी का कलर आपके बालों बहुत अच्छे से आएगा और आपकी मेहंदी ड्राई भी नहीं होगी, जिससे आपके बाल हेड वॉश करते टाइम हिना को झड़ेंगे भी नहीं। तो इस तरीके की मिस्टेक पे भी अगर आप काम करेंगे तो आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक सकता है। फ्रेंड्स, फोर्थ जो चीज़ है वो है कि हम अपना हेड वॉश करते हैं और हम कंडीशनर लगाना स्किप कर देते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है, जो हम शैम्पू अपने बालों में अप्लाई करते हैं वो हमारे बालों का जो नेचुरल ऑयल होता है उसे रिमूव कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए जिससे कि हमारे बाल सॉफ्ट हो जाए, मैनेजेबल हो जाए। कुछ लोगों को लगता है कि कंडीशनर लगाते ही और उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो रूट्स हैं वो ऑलरेडी वीक थी, वो तो आपके बाल झड़ने ही झड़ने हैं। हाँ, अगर आप कंडीशनर लगाओगे और उसके बाद कॉम करोगे तो आपके बाल फिर भी मैनेज हो सकते हैं और झड़ेंगे कम। ये हेड वॉश करने के बाद कंडीशनर जरूर अप्लाई करें और आफ्टर कंडीशनर आप अपने बालों में अच्छा सा सीरम जरूर लगाएं और फिर उसके बाद आप कॉम करिए, तो आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे और आपका हेयर फॉल एकदम कंट्रोल हो जाएगा। और आपने अपने बालों में मेरी तरह कलर कराया हुआ है या फिर आप अपने घर में ही बालों को डाई करते हैं तो प्लीज़ अपने बालों में कलर प्रोटेक्ट वाला शैम्पू जरूर यूज़ करें और उससे रिलेटेड ही कंडीशनर यूज़ करें। जो आपको सूट करता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि मैं कौन सा शैम्पू अपने बालों में यूज़ कर रही हूँ आजकल और कंडीशनर, जैसे मेरे बाल सॉफ्ट भी मुझे लग रहे हैं, काफ़ी फ़र्क लग रहा है आफ्टर कलर हाईलाइट्स कराने के बाद, सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिफ्थ चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आप वही ऑयल अपने हेयर में अप्लाई करिए जो आपको सूट करता है। ज़रूरी नहीं है कि उसने वो वाला ऑयल बताया और उसको वो सूट कर रहा है, वो आपको भी सूट करेगा। आप वही ऑयल यूज़ करिए जो आपको सूट करता है, दूसरों की बातों में आप बिल्कुल मत आइए। जैसे कि मुझे आलमंड ऑयल बिल्कुल नहीं सूट करता है तो मैं कैस्टर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल ही अपने हेड के स्कैल्प के लिए यूज़ करती हूँ। DIYs में भी आपको मैं वही दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए, जो दूसरे को सूट कर रहा है ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपके लिए भी बनी है। सो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिएगा। सिक्स चीज़ ये कि फ्रेंड्स, सब कहते हैं कि हेड पर एग लगाओ, एग लगाने से हेयर फॉल भी नहीं होगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने आज तक अपने बालों पर एग अंडा अप्लाई नहीं किया है क्योंकि मुझे उसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको लगता है कि आपके बाल एग से सॉफ्ट हो सकते हैं, जैसा कि मैंने भी बहुत कुछ सुना है, तो आप एग बेस्ड जो आजकल ममा अर्थ के या फिर बहुत से ऐसे ब्रांड हैं उनके शैम्पू निकले हैं, न्यू लॉन्च हुए हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको उनके बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उनकी डिटेल मैं आपको जरूर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और आपके बाल ड्राई हो जाते हैं और आपको अपने बालों की ऑयलिंग करनी है, तो सबसे पहले तो आप कॉम करिएगा ताकि आपके बाल उलझे ना रहें। दूसरा, आप अपने हेड की जो मसाज करेंगे ना, बहुत लाइट हाथों से करनी है, आपको किसी भी मसाजर की जरूरत नहीं है और हैवी हाथ तो बिल्कुल भी सर पे लगाने ही नहीं है। हल्के हाथ से मसाज कीजिए। सर धोने से 1 घंटे पहले आप अपने सर में ऑयलिंग कीजिए। पूरी रात लगाने की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में भी वो उतना काम कर देगा आपके सर में जितनी आपको ज़रूरत है। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन वो इम्प्रूव होता है और जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं और हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक रुक सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो इतुसा भी पसंद आए ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं विभा आपसे जल्दी मिलती हूँ एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।